सिक्सटींथ क्वेश्चन में मूव करते हैं। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है और ग्रेविटेशन में मुझे जो इस साल के लिए 2020 के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगी, सब कॉन्सेप्ट लगी, क्योंकि हर चैप्टर का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन रहेगा ही, वो मुझे लगी एस्केप वेलोसिटी और इंटरस्टेलर वेलोसिटी से आने वाले क्वेश्चन। इस साल जो 26 जुलाई 2020 को नीट होगी उसमें मुझे लग रहा है कि इंटरस्टेलर वेलोसिटी या एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी में एक छोटा सा सब टॉपिक इंटरस्टेलर वेलोसिटी, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी प्लस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के मिक्स क्वेश्चन, मतलब एस्केप वेलोसिटी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक, करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो एक बार आप भी पढ़ लो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज वी, सबको मालूम है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है अर्थ की सरफेस से, बट उसको वी से डिनोट कर रहे हैं। अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी की एस्केप वेलोसिटी वी है, यहां से ए बॉडी इज थ्रोन विद स्पीड 3v, एक बॉडी को हमने फेंका 3v से, एस्केप वेलोसिटी से दुगनी। तो मैं बार बार एक टर्म ले रहा था इंटरस्टेलर वेलोसिटी, मे बी सम पीपल मे नॉट हैव हर्ड ऑफ इंटरस्टेलर वेलोसिटी, देन आई एम गोइंग टू टेल देम, डिस्क्राइब देम क्या होता है इंटरस्टेलर वेलोसिटी। अगर आप किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से कम की स्पीड देते हो तो वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले कहीं पर रुक जाएगा और फिर वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बंधा बंधा वापस लौट आएगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी दे देते हो तो वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, फिर वो अर्थ की ग्रेविटी के फील्ड के बाहर चला गया, वो अर्थ की ग्रेविटी से बंधा नहीं है, फ्री हो गया, वो वापस नहीं आएगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंको, भाई इन्फिनिटी तो जा ही रहा है, अब क्या होगा, इन्फिनिटी तो पहुंच ही रहा था, तो अब मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूं, रिफाइन कर देता हूं। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेज इन्फिनिटी का मतलब जस्ट बस पहुंच जाए, भले पहुंच के वहां रुक जाए। इनफैक्ट एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है इसमें ऑब्जेक्ट सच में इन्फिनिटी पहुंच के रुक ही जाता है, वहां पे इन्फिनिटी में किसी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी के साथ पहुंचता नहीं है। तो अब अगर आप एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे, 11.2 से भी ज्यादा से फेंकोगे, तो इन्फिनिटी तो पहुंचेगा, बट वो रेस्ट में नहीं पहुंचेगा, एनर्जी के साथ पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ पहुंचेगा, स्पीड के साथ पहुंचेगा, और उसी स्पीड के साथ वहां टहलता रहेगा इंटरस्टेलर स्पेस में। इंटरस्टेलर मूवी देख लेना और अच्छी बात है। तो वो जो वेलोसिटी होती है जब इंटरस्टेलर स्पेस में अर्थ से ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के बाहर के रीजन में, इन्फिनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मैथमेटिकली, उसके भी बाहर पहुंच जाएगा जिस स्पीड के साथ, उस स्पीड को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड, इंटरस्टेलर वेलोसिटी। और वही ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। करना ये होता है कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा फेंक रहे हैं तो पहुंचना तो है ही उसको इन्फिनिटी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन इन्फिनिटी में जस्ट नहीं पहुंचना, किसी स्पीड के साथ पहुंच रहा है, उस स्पीड को बोलते हैं वी इंटरस्टेलर। वैसे इन्होंने इंटरस्टेलर वर्ड कहीं क्वेश्चन में यूज नहीं किया है, उन्होंने पूछा स्पीड ऑफ द बॉडी एट इनफिनाइट डिस्टेंस, ये अलग बात है, मैं उसको नाम दे रहा हूं, उसको इंटरस्टेलर वेलोसिटी बोलते हैं, उसको मैंने VIS लिख दिया है, इन्फिनिटी पे वही वेलोसिटी मेरे को चाहिए। अब करें क्या, तो देखो मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जब भी आए, यहां पे कोई एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब भी आपको ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आए, आपको लगाना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। फिर से बोल रहा हूं, आपको लगाना है भैया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। भाई अर्थ के बाहर इधर आउटर स्पेस में जो भी इंटरस्टेलर डस्ट है वो इतनी रेयर होती है, उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है, उसको इग्नोर कर दो, मान लो कि पूरा खाली पड़ा वैक्यूम है, वैक्यूम ही मानते हैं हम लोग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। तो अर्थ से जब किसी चीज को फेंक दिया तो वो चली आ रही इंटरस्टेलर स्पेस में, तो उसके पास कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं मैकेनिकल एनर्जी का लॉस कराने के लिए। तो अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन जैसा है ही नहीं वहां पे वैक्यूम में, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व लगेगी, अर्थ से जितनी कंजर्व रहेगी, तो अर्थ से जितनी मैकेनिकल एनर्जी से भेजा है इन्फिनिटी पे भी उतनी मैकेनिकल रहेगी, ये अलग बात है, काइनेटिक पोटेंशियल
काइनेटिक पोटेंशियल का इंटरचेंज होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में काइनेटिक पोटेंशियल में जाएगी। अब देखते हैं कैसे। तो जितना ऊपर भेजते आते हो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाती आती है तो काइनेटिक घटती है, पोटेंशियल बढ़ती है। सेम चीज यहां पे भी होगी, यहां पे भी लगा लेते हैं। चलो करने जा रहे हैं हम लोग। अर्थ की सरफेस से 3V की स्पीड से फेंका तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 m 3V का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक थी। अर्थ की सरफेस से पोटेंशियल कितनी थी, तो अर्थ की सरफेस से पोटेंशियल थी -gme m/re। ये m का ऑब्जेक्ट है, अर्थ का मास me और अर्थ की रेडियस आ रही। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी को नहीं आते तो मैं बता देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gm1m2/r, दो मास के बीच में होता है, -gm1m2/r। अर्थ की सरफेस पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ को पॉइंट मास मान लो, माइनस का जी एम ई अर्थ का मास, एम ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन आर अर्थ की रेडियस, क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे, आर ई अर्थ की रेडियस। काइनेटिक पोटेंशियल इन्फिनिटी, जितना ये ऑब्जेक्ट अर्थ की दूर जाएगा उतने पोटेंशियल बढ़ती है, काइनेटिक घटेगी। जितना ये ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा उतना पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, काइनेटिक घटती जाएगी, और इन्फिनिटी पे बिल्कुल ये कंप्लीट इन्फिनिटी पहुंच गया, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी -gm1m2/r में नीचे स्मॉल r इन्फिनिटी रखोगे, 1/∞ 0। वैसे भी इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं, इन्फिनिटी को रेफरेंस 0 मान के ही तो फॉर्मूला निकलता है, तो सीधे सीधे भी लिख सकते थे कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v इंटरस्टेलर का स्क्वायर जो मैं बता रहा था। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमको अर्थ की सरफेस पे भी पता है और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमको इन्फिनिटी भी पता है। अब करना क्या है, बराबर कर दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बार बार यही तो बोल रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, 1/2 m 3V का स्क्वायर तो हो गया 9V का स्क्वायर भैया, -gme m/re, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं, -gme m/re का इसमें एक काम करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, स्मॉल m निकाल लेते हैं। अब 2 से डिवाइड किया तो 2 इधर ऊपर भी आएगा और gme/re को रखने देते हैं, यहां पे रहने देते हैं, अभी बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं। ये हो गया अर्थ की सरफेस, इन्फिनिटी पे कितनी, पोटेंशियल तो 0 है, काइनेटिक कितनी, 1/2 m v इंटरस्टेलर का स्क्वायर, 1/2 m v इंटरस्टेलर का स्क्वायर। अब एक काम कर लेते हैं, जो कट रहा है वो काट देते हैं, और कट रहा है 1/2 m, इसीलिए मैंने 1/2 m कॉमन लिया था, 9V स्क्वायर -2gme/re। अभी 2gme/re क्या है, तो किसी को याद हो तो बताओ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gre, ये वाला स्मॉल जी के टर्म में और कैपिटल जी के टर्म में अंडर रूट 2gme/re होता है, तो इसीलिए तो मैं बना रहा था, क्योंकि 2gme/re अंडर रूट हटा दो तो वी स्क्वायर हो गया, अगर ये वी स्क्वायर हो गया तो 9V स्क्वायर में से वी स्क्वायर गए तो ये बन गया 8V स्क्वायर, तो ये बन गया 8V स्क्वायर इज इक्वल टू वी इंटरस्टेलर का स्क्वायर। अब मैं अंडर रूट ले लूंगा, अंडर रूट लूंगा तो वी इंटरस्टेलर मुझे मिल जाएगी इन्फिनिटी पे स्पीड, वो हो जाएगी वी अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 8 का अंडर रूट 2√2, तो 2√2V, ये हमारा आ गया आंसर, यही आंसर है। बट मैं डिटेल में बता रहा था क्योंकि मुझे इंटरस्टेलर स्पीड के बारे में बताना था, मुझको बताना था कि कैसे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मैंने बताया कि कैसे